मैं भी मौजूद हूँ जैन पुलिस चौकी में, और यहाँ एक मामला आया हुआ है कि नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में एक कोई डॉक्टर बोरा है, जिन्होंने डॉक्टर रजक को जो है अपने चेंबर में बुला के गुंडागर्दी के साथ जो है उनके साथ मारपीट किया है। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर रजक साहब से कि और बताएं क्या मामला है, चौकी क्यों आए हुए हैं, बताएं डॉक्टर साहब क्या पूरा मामला है, क्यों चौकी आना पड़ा आपको। मैं तीन तारीख को यहाँ पे तीन तारीख को मैं यहाँ नेहरू में केंद्रीय चिकित्सालय सिंगरौली से स्थानांतरित हुआ एज ए पैथोलॉजिस्ट, चिकित्सा अधीक्षक पैथोलॉजिस्ट। और यहाँ आने के बाद में मैं अच्छे से अपना काम कर रहा था, सीमेस मैडम और यहाँ सीमो इंचार्ज के द्वारा जो भी ड्यूटी दी गई थी मैं कर रहा था। अचानक से 26 तारीख को डॉक्टर डीजे बोरा जो यहाँ के एचओडी पैथोलॉजी लैब के हेड हैं, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बुलाने के बाद में अपने ड्यूटी के संदर्भ में कुछ बातें हो रही थी। इसी बीच में उन्होंने बोला मुझे कि तुम बहुत एरोगेंट हो, बहुत एरोगेंट तरीके से बात करते हो, तुम्हारा बात करने का लहजा ठीक नहीं है, टेक्नीशियंस के साथ क्यों बैठते हो, तुम्हारा तुम्हें टेक्नीशियन के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर ये मेरा काम करने का तरीका, टेक्नीशियन जो है हमारे कलीग हैं, उनके साथ हम अगर नहीं काम करेंगे किसके साथ काम करेंगे। और बस इतनी ही बातें हुई थी, उन्होंने अचानक से मेरे आँख पे पंच मारा दाहिनी आँख पे, जिसके चलते काफी चोट लगी, मेरा चश्मा टूट गया, उसके बाद फिर मुझे धक्का देके नीचे गिराया जिसके चलते, और मेरी छाती पे पैर मारा जिसके चलते मेरा मोबाइल भी टूट गया। और जब मैं उनके इस एरोगेंट बिहेवियर को देखा तो मैं बाहर भागने की कोशिश किया तो उन्होंने मुझे पकड़ा। पकड़ने के दौरान हाथापाई हुई, दरवाजा खोल जैसे बाहर निकला तब तक कुछ लोग आ गए, कुछ लोग आने के बाद में जो है उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद भी मैं ये अपना टूटा चश्मा लेके और मोबाइल लेके सीधा कंप्लेन पहुंचा मैं सीएमएस ऑफिस में, और उसके बाद मैं जो हमारे यहाँ प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ बाकी सारी बातें चीत हुई। अच्छा, अभी चौकी आप आए हुए हैं उनका एफआईआर दर्ज कराने के लिए। जी जी, मैं एफआईआर दर्ज कराने आया हूँ चौकी। चौकी से क्या आश्वासन मिला आपको? चौकी से आश्वासन ये मिला है कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई ये लोग करेंगे, बाकी जांच करने के बाद ये लोग अपने अपनी रिपोर्ट भी जो है चौकी इंचार्ज को सौंपेंगे। इससे पहले भी इन्होंने किसी के साथ मारपीट की जानकारी मिली? हाँ, विगत कुछ वर्ष पहले इन्होंने ऐसे ही डॉक्टर सुब्रतो विश्वास जो एमडी मेडिसिन थे उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जिसके चलते उन्होंने भी यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई, जो मुझे थाने में आने के बाद पता चला है। और लास्ट कुछ दिन पहले नेहरू चिकित्सालय में मुझे ये पता चला कि 31 दिसंबर को पार्टी थी, पार्टी में के दौरान भी इन्होंने वहाँ के वर्कर्स के साथ कुछ हाथापाई की थी। मतलब पूर्ण रूप से डॉक्टर की गुंडागर्दी नेहरू अस्पताल में चल रही है। जी जी, ये प्रबंधन इस पे किसी प्रकार का अभी तक तो कोई कार्रवाई किया नहीं, कार्रवाई किया होता तो आज तक ऐसी नौबत नहीं आती। प्रबंधन ने हम लोगों को बुलाया था, बुलाने के बाद में उन्होंने सारे वार्ताओं को सुना, हमारे पक्ष को भी सुना, उनके पक्ष को भी सुना। सुनने के बाद में उन्होंने कुछ आदेश दिए हैं, और अब उसका आदेश का कारण चूंकि आज रविवार है तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, सोमवार या मंगलवार को इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी कि प्रबंधन इसके पीछे क्या कर रही है। चलिए, मैं अभी जैन चौकी में था और डॉक्टर रजक से मैं बात कर रहा था कि नेहरू के एक डॉक्टर द्वारा किस तरह से अपने स्टाफों के साथ जो गुंडागर्दी की जाती है। चलिए, धन्यवाद।